हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी पे मैं ऑलरेडी 8 महीने पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था कि इनका करेंट टाइम में बिजनेस मॉडल क्या है, पिछले 4-5 सालों में इन्होंने क्या काम किया है और करेंट टाइम में क्या बिज़नेस कैसा चल रहा है, क्या रुकावट है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कंपनी पूरा इंडस्ट्री किस तरह से आउटलुक है और इसके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सब सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, जिस वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब के आई बटन पे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको आई बटन में नहीं मिलता है या कोई भी आप कंपनी के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं कि मैंने उस पर वीडियो बनाया या नहीं, जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, इसको करके सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल जो नाम है इनसाइडरपीडिया, इसको सर्च कर देंगे तो भी आपको यूट्यूब पे ये वीडियो मिल जाएगा। देख सकते हैं चंद्रन थ्योरी ऑफ स्टॉक मार्केट, 8 महीने पहले ये वीडियो अपडेट किया हुआ है। तो ये पार्टिकुलर वीडियो जो है, जिसमें मैं आज अपडेट लेकर आया हूँ बिजनेस अपडेट्स, 8 महीने पहले से लेकर के आज तक जो भी अपडेट्स हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ क्या अब इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या नहीं। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब ये वीडियो मैं बनाया था, 1300-1400 रुपये के आसपास शेयर प्राइस था, और मैंने बताया था कि दो वजह हैं जिसकी वजह से मैं करंट टाइम में इस शेयर को इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन इसको वॉच लिस्ट में लगा कर रखूँगा, जब सही टाइम आएगा तब इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो पहली वजह यह थी कि मैंने बताया कि शेयर प्राइस बहुत चल चुका है, तो थोड़ा सा टाइम तक ये कंसोलिडेट करेगा। दूसरी चीज़ ये बताई थी कि इनके पास कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, इनके पास ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, बट उनके पास मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी नहीं है, उसकी वजह से इसमें डिले हो सकता है, जिस वजह से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा तेज़ी से जंप नहीं करेगा। उस वजह से पर्टिकुलरली, जो कि एक रिस्क है जो कि शेयर प्राइस को फ्लैट रख सकता है, इस वजह से मैंने इस कंपनी के शेयर को नहीं बाय किया था। और हुआ भी ऐसा कि 2023 जुलाई से लेकर के दिसंबर तक ऑलमोस्ट कुछ शेयर प्राइस में खास मूवमेंट नहीं था, और फिर दिसंबर 2024 जब से आया, शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से अप हुआ, ये 1200-1300 रुपये से बढ़ करके ये 2200 रुपये का हाई लगाया। लेकिन पिछले 2 हफ्ते से पता ही है कि पूरे स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बिकवाली हुई है, तो ये शेयर भी काफ़ी तेज़ी से गिरा और 1800 के आसपास पे बंद हुआ। तो अच्छी बात ये है कि शेयर ऊपर गया, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, तो इसको हम अभी इस लेवल पर अगर अपॉर्चुनिटी है तो बाई कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है करंट टाइम में, उनका पिछले 8 महीने में क्या अपडेट्स हैं, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ क्या अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर अभी इसको और ज़्यादा वॉच लिस्ट में लगा करके वेट करना। तो यही सारी चीज़ें हैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ। तो देखते हैं कि दिसंबर 2022 में 256 करोड़ का रेवेन्यू था, वो बढ़ करके 342 करोड़ हो गया है, 15 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ करके 27 करोड़ का हो गया है। इसी के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 14-13% का ऑलमोस्ट कांस्टेंट सा बना हुआ है, जो कि फ्यूचर में भी हम इसी को ही कंसीडर कर सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी इसी तरह रन रेट पे चलेगी। तो अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है, हमें देखना ये है कि क्या ये अपनी टॉप लाइन तेज़ी से ग्रो कर सकती है या नहीं, क्योंकि अगर टॉप लाइन तेज़ी से ग्रो करेगा तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल में जो कुछ मुझे अपडेट्स मिली, मैंने नोट्स बना रखा है, तो वो काफ़ी डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ताकि हम डिसाइड कर पाएँ कि आने वाले का 1-2 साल का आउटलुक कैसा हो सकता है, विजिबिलिटी है या नहीं है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट ये है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स जिनके पास 50% होल्डिंग है, वो है MEIL होल्डिंग्स लिमिटेड। कंपनी का फुल फॉर्म है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि एक पब्लिक कंपनी नहीं है, एक अनलिस्टेड स्पेस में कंपनी है, और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंफ्रा कंपनी है। बात ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड की जो लिस्ट आई थी, उसमें ये सेकंड सबसे लार्जेस्ट डोनर था, जिन्होंने 1000 करोड़ के आसपास का डोनेट किया था। अब किस पार्टी को किया था ये तो पता नहीं है, इस वजह से काफ़ी चर्चे में थी और काफ़ी लोगों को ये भी लग रहा था कि इन्होंने इतने बड़े डोनेशन दिए, इस वजह से शायद इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा 8000 बसों का ऑर्डर्स है। लेकिन दोस्तों, ये खैर एक बहुत ज़्यादा आप अपने हिसाब से देखिए, मैं इस पर कोई व्यू नहीं देने वाला, आप अपने हिसाब से देखिए कि क्या है, क्या इन्होंने ब्राइब किया है या फिर किसी पार्टी को सपोर्ट किया है उस वजह से इनको ऑर्डर्स मिले, या फिर इनके पास उतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी है, इनके पास इतनी अच्छी बस बनाने की स्ट्रेंथ है या टेक्नोलॉजी है, उस वजह से ऑर्डर्स मिल रहा है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। खैर,
मेरा इसमें मेन मकसद यह है कि ये कंपनी का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक बसेस की, जो कि इनका मेन बिजनेस है। तो डिलीवरी अब तक 2 दिसंबर 2023 तक इनकी बात करें तो टोटल अब तक पिछले 5 सालों में 1564 बसों की डिलीवरी की है इन्होंने। इसके अलावा 51 इलेक्ट्रिक टिपर्स की भी डिलीवरी की है, जो कि इन्होंने रिसेंटली अभी बनाया और लॉन्च किया है, और कुछ अपने पेरेंट कंपनी को सेल किया था। और पिछले 9 महीने की बात करें तो 376 बसों की डिलीवरी की है, और इस क्वार्टर की बात करें तो 160 बसेस और 16 टिपर्स की डिलीवरी की है। और ओवरऑल इस फाइनेंशियल ईयर में टारगेट है कि 650 को डिलीवर करें। देखिए अभी समझ में आ रहा है कि 376 की है, 650 का टारगेट है, तो सिर्फ पहले 9 महीने में इन्होंने 376 बस डिलीवर करी है, लेकिन अकेले इस क्वार्टर में इनका टारगेट है कि 270 बसों की डिलीवरी करें। तो इससे काफ़ी जाहिर है कि ये जो मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट आएगा इसमें टॉप लाइन ऑलमोस्ट दिसंबर से डबल होती दिख सकती है, जिस तरीके से कंपनी ने जो अपना गाइडेंस दिया है। इसके अलावा अब तक इन्होंने जो हिस्ट्री में इस कंपनी ने 5-6 सालों में जो 1564 बसों की डिलीवरी तो की है, लेकिन इनके पास ऑर्डर बुक 8,000 बसों की है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इस बार इनका टारगेट है 600 बसों को डिलीवर करने का, लेकिन इनके पास 8,000 ऑलमोस्ट 12 से 14 गुना, जो इस साल डिलीवरी करने वाले उसका 12 से 14 गुना ऑर्डर बुक है। तो समझ सकते हैं कि अगर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में ये बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, 2500 या 3000 बसेस अगर एक फाइनेंशियल ईयर में डिलीवर करने लगते हैं, तो इनका रेवेन्यू यहाँ से 4-5 गुना जम कर सकता है, 4-5 गुना प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो उसी के हिसाब से हम आगे देखेंगे कि क्या प्लान है, किस तरीके से डिलीवरी करने का ये इनका प्लान है। तो इसके बेसिस पे हमें पता लगेगा कि इनका मैक्सिमम पीक रेवेन्यू करेंट ऑर्डर बुक से क्या हो सकता है। तो इन्होंने, जैसे मैंने बताया कि लास्ट क्वार्टर में इनके पास कैपेसिटी का बड़ा इशू था, ये ज़्यादा बसेस डिलीवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास कैपेसिटी थी ही नहीं। इसकी वजह से फ़ंड रेस करना था, लेकिन उनका फ़ंड का प्लान कैंसिल हो गया। किस तरीके से उन्होंने ये अचीव किया ये देखते हैं। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन बताया कि फुल स्विंग में काम चल रहा है और ट्रायल भी शुरू हो रहा है 2 फरवरी से, यानी पिछले 1 महीनों में या 1.5 महीनों में इनका ट्रायल चल रहा होगा। और ये जैसे ही ट्रायल ख़त्म होगा 1 अप्रैल से, अप्रैल के स्टार्ट से ये कमर्शियल प्रोडक्शन नई साइट पे स्टार्ट कर देंगे। और इस प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसिंग है, टोटल 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें इनका फंडिंग मिलने वाली है इंटरनल एक्रूअल से, इसके अलावा डेट से। तो पहले ये था कि ये इक्विटी रेस करेंगे, लेकिन इन्वेस्टर शायद कॉन्फिडेंस नहीं दिखाए या कुछ और इशू हो गया जिसकी वजह से ये इक्विटी के थ्रू रेज नहीं कर पाए। फिर कंपनी ने Q2 में अपडेट किया कि हम टोटली इंटरनल एक्रूअल और डेट के लेकर के ही ये एक्सपेंशन करेंगे। तो अभी इनका सेक्शन होने वाला, जब ये क्वार्टरली अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी तो उन्होंने बताया था कि 2 से 3 हफ्ते में ही हमारे पास डेट का जो सेंक्शन होना है, सेंक्शन लेटर 500 करोड़ का डेट है, वो हमारा सेंक्शन हो जाएगा और उससे हम फुल स्विंग में अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा इंटरनल अक्रूवल से भी हम 100 करोड़ रुपये पैसा लगा रहे हैं इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जिसमें हम कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 10,000 बसों की कैपेसिटी बनाने वाले हैं। वो देखना काफ़ी ज़रूरी है कि किस हिसाब से अभी कैपेसिटी डेवलप हो रही है। तो जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है इनका, जून जुलाई 2024 यानी आने वाले 2 से 3 महीनों में ये कैपेसिटी बिल्डअप कर लेंगे 5,000 बसों की। और जब कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी तो पता ही है कि फिर वो उनकी डिलीवरी जो एग्जीक्यूशन है, ऑर्डर बुक है 8,000 बसों का, वो काफ़ी तेज़ी से करना शुरू कर देंगे। तो इनका ये टारगेट है कि FY 2025 में 2500 बसों की मिनिमम डिलीवरी करें। तो मतलब अभी पिछले 9 महीनों में तो 450 बसें की है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में प्लान है कि 2500 बसों की डिलीवरी करें। तो आप समझिए कि यहाँ पे मल्टी फोल्ड ग्रोथ दिख सकती है FY 2025 में। इसके अलावा इनका जो कैपेसिटी है ये 10,000 बसें बन सकती है अगर डे और नाइट दोनों शिफ्ट में काम स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही जैसे इनका वही कैपेसिटी बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनके पास और ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे जिनके डिलीवर फास्ट करना होगा, तो ये डे और नाइट शिफ्ट दोनों काम करेंगे, तो ये 10,000 बसें 1 साल में बना सकते हैं ये जो कैपेसिटी बन रही है। इसके अलावा ये 8,000 बसों का इनके पास ऑर्डर है, तो किस तरीके से क्या टाइमलाइन है जिसके बेसिस पे ये डिलीवरी करेंगे, तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो कंपनी ने कहा कि नेक्स्ट 18 से 24 महीने के अंदर ये पूरी 8,000 बसों की डिलीवरी करेंगे, जिनका मानना यह है कि नेक्स्ट ईयर में 2,000 बसों की डिलीवरी होगी, फिर उसके बाद
6,000 बसों की FY26 में। तो समझिए कि अभी कंपनी ने क्या बताया कि इस साल तो 650 बसों की डिलीवरी हो रही है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 2,000-2,500 बसों की डिलीवरी हो, फिर उसके नेक्स्ट ईयर यानी FY26 में 5 से 6 हज़ार बसों की डिलीवरी हो सकती है। यानी इस साल जो बसों की डिलीवरी हो रही है, आने वाले 2 साल में उसकी 10 गुना बसों की डिलीवरी करनी पड़ेगी, तभी यह ऑर्डर पूरा हो पाएगा। यानी अगर ऐसे में अगर इनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन देखा जाए तो आने वाले 2 सालों में 10 गुना रेवेन्यू हो सकता है। तो आप काफ़ी लोगों के मन में जो सवाल होता है कि 163 का पी, बड़ी बड़ी कंपनी जो है 20-30 के पी पे ट्रेड करती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कंपनी होती है, 40-50, ये 160 के पी पे क्यों ट्रेड हो रही है? तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कंपनी आने वाले 2 सालों में अगर सब कुछ एग्जीक्यूशन सही से हुई तो 10 गुना इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रो हो सकता है। यही वजह है कि 163 के पी पे कंपनी का शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है। तो दोस्तों ये कंपनी पे मैं और ज़्यादा डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग आप दिन भर जो है यूट्यूब पे सर्च करते रहते हो कौन सा शेयर बाई करें, कौन सा शेयर होल्ड करें, सेल करें, आपको प्रॉपर सही से तरीका नहीं मिल पाता, नॉलेज नहीं मिल पाता। उसके लिए मैंने स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस लाया हूँ, जहाँ पर मैं रियल टाइम बेसिस पे शेयर्स को स्टडी करके अपडेट करता हूँ कि किस शेयर को बाई करना है, और जब एग्जिट करना होता है तो भी बताता हूँ। और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, हमारा काम ही ये होता है कि आपको प्रॉपर रिसर्च करके आपको रिकमेंडेशन देना, और हम सेबी से रजिस्टर्ड है। और यह हमारी एक सर्विस है, काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे, 3600 रुपये साल की फ़ीस है, जिसमें हम आने वाले 1 साल तक जो भी हम शेयर रिकमेंड करेंगे उसकी हर अपडेट्स मिलेगी। तो अगर ये सर्विस में आप इंटरेस्टेड हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और फिर हमसे फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और हमारी जो अपडेट्स हैं इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड से, उसकी और क्या अपडेट है उसको डिस्कस करते हैं। तो MSRTC ऑर्डर, तो देखिए 8,000 बसों में अकेले 5150 बसेस का ऑर्डर जो है MS महाराष्ट्र का जो रोडवेज है उससे मिला हुआ है 5150 बसों का। तो इनका कहना है कि ये जो पूरी 5,000 बसों की जो डिलीवरी होने वाली है नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में ये डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट ईयर में 2500 बसों का टारगेट है, कि अकेले जो ये सबसे बड़ा ऑर्डर है तो ज़्यादातर इसी ऑर्डर को ये पूरा करने की कोशिश करेंगे, फिर जो भी बचेगा FY26 में उस ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक केस चला गया था जहाँ पे ऑर्डर्स इनका काफ़ी बड़ा था, जो कि 2100 बसों का ऑर्डर्स था, वो ये डिलीवर नहीं कर पाए थे, तो वो कोर्ट में चला गया था। तो कोर्ट ने टोटल जो फैसला किया इस कंपनी के फेवर में किया कि मतलब आपके पास जो भी टर्म कंडीशन रही होगी कि आप अपने हिसाब से इसकी जो डिलीवरी करिए जैसी आपकी कैपेसिटी रैंप अप होती है। इसके अलावा इनका जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, ये रोडवेज जो स्टेट की रोडवेज है, रोडवेज बसेज है, उसमें ये एक तरीके से लीज पे दे सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो पर किलोमीटर के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। तो उसमें पेमेंट का बड़ा चक्कर होता है, 90-90 दिन तक पैसा फंसा होता है। तो गवर्नमेंट ने एक PME सेवा करके एक सर्विस लॉन्च किया, लेकिन इसके बारे में बहुत इनिशियल स्टेज पर, हो सकता है फ्यूचर में ये अगर डेवलप होता है तो उनके पास और ज़्यादा विजिबिलिटी हो, अच्छे तरीके से पेमेंट आना शुरू हो जाए। लेकिन कंपनी का कहना यह था कि ये 2-4 महीने लगेगा, ताकि ये जब तक कि प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं चाहेंगे कि किस तरीके से ये सर्विस हमारा बेनिफिट करेगा। लेकिन किसी ना किसी तरह की ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि ये जो पेमेंट का चक्कर है उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होगी, हम ट्रैक कर पाएंगे, गवर्नमेंट की नज़र पे रहेगा, तो हमें पेमेंट लेने में थोड़ा आसानी होगी। इसके अलावा मार्केट डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ओवरऑल पूरे इंडिया में 7,000 इलेक्ट्रिक बसेस डिप्लॉय की जा चुकी हैं रोडवेज बसों में। अकेले इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने ऑलमोस्ट 1500 बसों की डिलीवरी की है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20% मार्केट शेयर है करेंट टाइम में कंपनी का। और फ्यूचर में भी अगर मार्केट इसी तरह से 20% मार्केट शेयर गेन कर लेती है तो ये समझिए कि गवर्नमेंट का प्लान है कि 8 लाख बसों का, समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इलेक्ट्रा ग्रीन टेक का भी अगर इसी तरह से 20% मार्केट शेयर कंटिन्यू रहेगा तो समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन सकती है। अभी करंट टाइम में बात करें तो ऑलमोस्ट $2 बिलियन इसकी मार्केट कैप है, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमें समझना चाहिए कि अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एवरेज सेलिंग प्राइस जो बात करें,
1.25 से 2 करोड़ के बीच का प्राइस होता है। 9 मीटर की बस होती है, 12 मीटर की बस होती है, अलग अलग फीचर्स हैं उसके बेसिस पे 1.25 से 2 करोड़ के बीच में ये बसों का प्राइस होता है। इसके अलावा इनका फोकस जो है अगेन सारा जो है STUs यानी जो सरकारी रोडवेज बसेज है उस पर ही, ये सारा सरकार से रिलेटेड जो ऑर्डर्स हैं इनको इसी पे पूरा अभी इनका फोकस है। फ्यूचर में इनका प्राइवेट और रिटेल साइड भी फोकस होगा, लेकिन अभी फिलहाल आने वाले 1-2 साल तक इनके पास स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, तो ये फुल फोकस अभी सरकारी बसों पे ही अपना करना चाहते हैं। तो ये रही ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है। देखिए लास्ट टाइम मैंने बताया था कि कैपेसिटी का बड़ा इशू मुझे लग रहा है, इस वजह से मैं इस शेयर को अभी होल्ड पे डाल रहा हूँ। लेकिन अभी जो कंपनी ने टाइमलाइन दिया है कि जून जुलाई में ये कैपेसिटी रैंप अप करने वाले हैं, 5,000 बसेस डिलीवर करने की कैपेसिटी बिल्डअप करने वाले हैं, वो जैसे ही बिल्डअप होती है तो इसी दौरान मैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर मैं प्लान करूंगा इस कंपनी के शेयर को बाई करने का। और जैसे ही बाई करूंगा तो आप लोगों को रिकमेंडेशन सर्विस जो लिए हैं उसकी अपडेट्स मिली जाएगी। इसके अलावा हमें यह भी डिसाइड करना है कि कोई एक शेयर एग्जिट करना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करते नहीं है, और इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए फंड का भी एलोकेशन कुछ देखना पड़ेगा, उस हिसाब से मैं अपडेट करूंगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस कंपनी के शेयर को मैं बाई करूं, लेकिन 2-3 महीनों में देखूंगा कि किस तरीके से इनका प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है नई फैसिलिटी से, और उसी के बेसिस पे शायद मार्च का क्वार्टरली रिजल्ट भी आ जाए तो और ज़्यादा विजिबिलिटी हो जाएगी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ हम होल्ड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मेरा प्लान है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के। आपका क्या प्लान है? अगर आप इस शेयर को इन्वेस्ट होल्ड कर रहे हो तो किस प्राइस पर होल्ड कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लुक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा किस कंपनी पे आप अपडेट चाहते हो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, ताकि मैं आपके दिए हुए कंपनी पे मैं वीडियो बना सकूं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी जो सर्विस है उसके बारे में भी चेकआउट ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।